नमस्कार, मैं हूं आपका नवीन। अगर अभी तक आपका नहीं हुआ हूं तो क्या, जल्द हो जाऊंगा। जिंदगी के लिफाफे में आज मैं लेकर आया हूं दक्षिण कोरिया के मुकेश अंबानी स्वर्गीय ई कॉन ही का लिखा हुआ एक खत, जो कि इन दिनों दक्षिण कोरिया में काफ़ी चर्चा में है। वे सैमसंग समूह के चेयरमैन थे, कोरिया के सबसे धनी और फोर्ब्स 2020 के आंकड़े के अनुसार विश्व के 75वें नंबर के धनी थे। उनकी कुल संपत्ति 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। दुख होते हुए बताना पड़ रहा है कि पिछले महीने 25 अक्टूबर को 78 साल के ई कॉन ही का स्वर्गवास हो गया। वे सैमसंग समूह के संस्थापक के सबसे छोटे पुत्र थे। वे अपनी विचारशीलता और व्यापक परिप्रेक्ष्यों के लिए जाने जाते थे। एक समय था जब विश्व में मेड इन जापान उत्पादों का बोलबाला था। सोनी, पैनासोनिक सबकी पसंदीदा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडें हुआ करती थी। स्वर्गीय ई कॉन ही जी ने न ही सैमसंग को विश्व में नंबर एक बनाया, बल्कि पूरी दक्षिण कोरिया के उद्योगों को विश्व पटल पर स्थान पाने लायक बनाया। यह उनके प्रयासों का ही प्रतिफल है कि दक्षिण कोरियाई जनता की आय और जीवन यापन में भारी सुधार हुआ है। उनकी तकनीक के लिए दीवानेपन ने कोरिया को विश्व की सर्वाधिक इनोवेटिव देशों में अव्वल दर्जा दिलाया। जीवन के अंतिम 6 वर्ष 5 महीने रोग से जूझते हुए व्यवसाय जगत के इस भीष्म पितामह ने 25 अक्टूबर 2020 को संसार को अलविदा कह दिया। जाते जाते उन्होंने एक खत लिखा जिसमें की गई बातें सार्वभौमिक हैं। उस पत्र में निहित भावनाओं का अनुवाद करके आपके समक्ष लाया हूं, सुनिएगा। सादर, यह पत्र पढ़ रहे वे सारे लोग जो अभी भी स्वस्थ हैं, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो भी नियमित रूप से सालाना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। गला न सूख रहा हो तो भी खूब पानी पिए। समस्या चाहे कितनी ही जटिल क्यों न हो, उससे आसानी से निपटने के तरीके ढूंढें। विनम्रता और पहले आपकी मानसिकता वाला जीवन भी बुरा नहीं है, एक बार जीकर तो देखें। आपके पास चाहे कितना ही पैसा और प्रभुत्व क्यों न हो, कभी भी घमंड न करें। आप धनी नहीं हैं तो भी छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट रहना सीखें। थकान न हो तो भी छुट्टियां मनाने जाएं। चाहे कितना हूं आप व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम के लिए समय अवश्य निकालें। हमारे पास एक 500 रुपए के कपड़े के मूल्य के प्रमाण स्वरूप उसकी रसीद है। 5 लाख रुपए के मूल्य को प्रमाणित करने के लिए एक चेक है। करोड़ों रुपए के घर की कीमत का प्रमाण घर के दस्तावेज हैं। लेकिन एक आदमी के मूल्य का क्या प्रमाण है आप जानते हैं? उसके मूल्य का प्रमाण एक स्वस्थ शरीर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर खर्च किए गए पैसों का जोड़ घटाना न करें। जब आप स्वस्थ हैं उस समय आपके पास जो पैसा रहता है आपकी संपत्ति कहलाता है। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो जो आपके पास शेष होता है वही आपकी विरासत है। संसार में आपको कुछ पैसों में कार का ड्राइवर मिल सकता है, आपको कोई न कोई मिल जाएगा जो आपके लिए पैसे कमा सकता है, लेकिन आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिल सकता
जो आपके रोगों को झेलने के लिए अपना शरीर उधार दे सके। अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी वस्तु जिसको आप कदापि दोबारा नहीं पा सकते वह केवल और केवल आपका जीवन है। आज मेरे पास इतना पैसा है लेकिन यह मेरे किस काम का? अकूत पैसे कमाने के खेल ने मुझे मात्र लालची बुढ़ा बना दिया। मेरे बाद मेरे आलिशान बंगले में कोई रहने वाला होगा, मेरी महंगी गाड़ी की चाबी किसी और के हाथों में होगी। एक समय था जब मुझे पैसा, प्रभुत्व और स्टेटस ही पता था और मैंने केवल उन्हीं चीजों का लुत्फ लिया, लेकिन आज यही सारी चीजें मेरे लिए व्यर्थ होने जा रही हैं। इसलिए जो लोग अभी भी जीवन के पहले पायदान पर हैं, हड़बड़ी में न जिएं। जो लोग आधा सफर पूरा कर चुके हैं उनका खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बचे हुए जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीने के लिए खुद को प्यार करना अभी से शुरू करें। मैं, जिसने अपने शुरुआती जीवन में सफलताओं के आसमान चूमे, जीवन के अंतिम सफर में रोग व्याधि से जीत न सका और एक पराजित की भांति पुरिया बिस्तर बांध रहा हूं, फिर भी मुझे आपको यह खत लिखते समय अपार प्रसन्नता हो रही है। जीवन के आपाधापी में अत्यधिक व्यस्त आप खुद को प्यार करें और अपना ध्यान रखें। अंततः मैं एक शक्तिहीन इंसान आपके अच्छे भाग्य की मंगल कामना करता हूं।